सहरसा के शंकर चौक पर राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने झारखंड में महागठबंधन की जीत पर खुशियां मनाई। एक दूसरे पर अबीर गुलाल और मिठाई खिलाकर जीत का इजहार किया। साथ ही एनडीए पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को महाराष्ट्र के बाद झारखंड की जनता ने ठुकरा दिया। अब देश की जनता भाजपा का सफाया कर शुरुआत झारखंड विधानसभा चुनाव से कर दिया है। आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश भाजपा की सरकार को गद्दी से उतार देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी ने लोगों को परेशान कर रखा है और यह चुनाव सेमीफाइनल था, फाइनल बिहार में होगा। जश्न की शुरुआत है, इसके बाद हम लोग जश्न पे जश्न मनाते जाएंगे। झारखंड में जो महागठबंधन की जीत हुई है, जिसमें आज लोगों ने यह महसूस किया है कि यह सरकार भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो चलाई जा रही सरकार है इस देश में, जिसकी हुकूमत झारखंड में थी, उसने जनता को ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इसलिए जनता आजिज होकर के, जिसमें कि अभी जो ताज़ा जो CAA और NRC लागू हुआ है, यानी कि नागरिकता जो कानून लागू हुआ है, इसको जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। यही हम मैसेज देना चाहते हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, नौजवानों की बदहाली, यह सबसे ज़्यादा चरम पर है। आज प्याज 200 किलो लोग रुपये खरीद के खा रहा है, लहसुन 200 रुपये किलो खरीद के खा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। इधर से ध्यान भटकाने के लिए जो नागरिकता का कानून 1955 ईस्वी में कांग्रेस की हुकूमत ने लाया हुआ था, इसमें सारी बात है, इसके अलावा कोई बात छूट नहीं जाती है। तो नागरिकता इनका मजहब नहीं है, मकसद नहीं है। इनका मकसद है धर्म और मजहब के आधार पर देश में विभाजन करना और वोट की फसल काटना। झारखंड में जो आज चुनाव का परिणाम आया विधानसभा का, इससे हम लोग ही नहीं, जो देश को मानने वाला है, जो भारत के संविधान के प्रति जिज्ञासा होगा, वो सभी आज जश्न मना रहा है। और आज झारखंड में कांग्रेस गठबंधन ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, यही भारतीय राजनीति स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को दर्शाता है। और राजनीति में यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिकली अंतर है कि कांग्रेस हारकर जीतती है और भारतीय जनता पार्टी जीत कर हारती है। और इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं कि झारखंड जो है भाजपा मुक्त हुआ है और वहाँ जो है जो स्वस्थ लोकतंत्र का पुनः स्थापना होगा, जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करता था और होता आ रहा है। झारखंड की जीत ये प्रमाणित कर दिया कि अब मोदी जी का छलावा नहीं चलेगा। उसके छलावा को देश की जनता ने समझ लिया, उसका उदाहरण झारखंड है। ये झारखंड की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है।